दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आयुर्वेदी के छोटे छोटे नुस्खे जो आपके जीवन में बहुत काम आ सकते हैं लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और फायदा उठाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हाथ पैरों की जलन। अगर आपके हाथ पैरों में जलन होती है तो आप प्याज का रस तथा सरसों का तेल बराबर मात्रा में लें। इसे लगाकर मालिश करने से आपके हाथ पैरों की जलन में तुरंत लाभ मिलता है। इस्तेमाल कीजिए, फायदा जरूर मिलता है। अब आते हैं कमर दर्द। अश्वगंधा चूर्ण तथा सौंठ बराबर मात्रा में मिला लें। इसमें से आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम गुनगुने पानी में सेवन करें। इस प्रयोग से कमर दर्द में तुरंत लाभ मिलता है। अंकुरित अनाज के फायदे। अंकुरित अनाज खाने से पेट संबंधी समस्याएं दूर होती है तथा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। अंकुरित अनाज रक्त को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। अंकुरित अनाज में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो शरीर को मजबूत रखने में बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है। इसलिए आप अंकुरित अनाज का सेवन आपको रोजाना लगातार करना चाहिए। आंखों के आगे आजू बाजू काले धब्बे। आंखों के आसपास काले घेरे सुंदरता में बाधक होते हैं। प्रतिदिन रात को सोने से पहले इन काले घेरों पर बादाम रौनक इसमें मिलता है, एक अलग से शीशी मिलती है तेल की, लगाकर कुछ देर मालिश करें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में काले घेरों की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। केले के फायदे। केले में आयरन भरपूर मात्रा में होता है जिसके कारण खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। हर रोज 2 केले को शहद में डालकर खाने से दिल मजबूत होता है और दिल की बीमारियां नहीं होती है। अगर कान से खून निकलने की समस्या है तो केले को चीनी मिलाकर दूध के साथ 1 सप्ताह तक इस्तेमाल करें, आपको फायदा मिलेगा, आराम मिलेगा। उपयोगी गुड़। जिन व्यक्तियों को रक्त विकार के कारण खाज खुजली हो उन्हें चाय दूध व लस्सी आदि में चीनी के स्थान पर गुड़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से खून साफ होकर खुजली दूर होती है, चर्म रोग दूर होता है। गुड़ का उपयोग आप डेली कीजिए। कान बहना। 200 मिलीलीटर सरसों तेल में 20 नीम के पत्ते तथा 10 ग्राम लहसुन की कली डालकर पका लें। इसे छान कर कांच की बोतल में भर लें। इस तेल को बूंद बूंद करके कान में डालने से आपके कान का मवाद बहना ठीक हो जाएगा। आपके कान की समस्याओं में बहुत काम की चीज है, इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए। बेसन से चेहरा धोने से चेहरे में दाग धब्बे झजाइयां आदि मिट जाती, जो तेज धूप तथा गर्मी में रक्षा के लिए बेसन के दूध या दही मिलाकर गाढ़ा लेप बना लें तथा इसे प्रतिदिन 30 मिनट चेहरे पर लगे रहने दें और ठंडे पानी से इसको धो लें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में चेहरा निखर कर बेदाग हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, एकदम प्रफुल्लित टाइप का लगेगा, एकदम ताजगी आपको महसूस होगी। शराब छुड़ाने का उपाय। जो व्यक्ति अधिक मद्यपान करते हैं या शराब पीते हैं तथा इसे छोड़ना चाहते हैं, वे 0.5 किलोग्राम अजवाइन को 4 लीटर पानी में पकाकर तथा लगभग 2 लीटर कर लें, पका के उसे छान लें। प्रतिदिन भोजन के पहले 1-1 कप पिए, इससे लीवर भी ठीक रहेगा तथा आपकी शराब पीने की इच्छा भी कम हो जाएगी। फोड़ों का उपचार। तुलसी और पीपल के नए कोमल पत्तों को बराबर मात्रा में पीस लें। इस लेप को दिन में 3 बार फोड़ों पर लगाने से फोड़े जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कितना भी पुराना फोड़ा अगर आप ये लेप लगाते हैं तो वो उसमें फायदा होना तुरंत चालू हो जाता है। नारियल खाने से याददाश्त शक्ति बढ़ती है। नारियल के 1 टुकड़े के साथ 5 बादाम, अखरोट की गिरी तथा 0.5 चम्मच मिश्री मिलाकर प्रतिदिन खाने से स्मृति वृद्धि होती है। बच्चों को नियमित नारियल खिलाना चाहिए, इससे इनका दिमागी विकास बहुत तेज होता है, बढ़ता है, बुद्धिमान निकलते हैं। इसलिए नारियल का सेवन बच्चों को जरूर कराइए। अगर बच्चे मिट्टी खाने की आदत है तो 1 चम्मच अजवाइन का चूर्ण रात को सोते समय बच्चों को पानी के सेवन से साथ कराइए। यह प्रयोग नियमित रूप से 3 सप्ताह तक करें, इससे बच्चे की मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी।
चेहरे में झाइयां जो हो जाती है उसका उपचार है, हल्दी तथा काले तिल बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पीस लें। इस पेस्ट को आधा घंटे के लिए चेहरे पर लगाकर छोड़ दें और उसे धो लें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से चेहरे में दाग धब्बे झाइयां खत्म हो जाती है तथा रंग में निखार आता है, चेहरे में चमक महसूस होने लगती है। इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। बहरा पानी, बड़ी इलायची तथा मिश्री बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीस लें। इस चून को सरसों के तेल में डालकर 2 घंटे तक रखे रहने दें, फिर इसको छानकर शीशी में भर लें। इस तेल को 3 या 4 बूंद प्रतिदिन सुबह शाम कान में डालने से बहरापन या कान संबंधित कोई ऐसी बीमारी है तो बहुत जल्दी ठीक होती है। इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए अगर आप कान के संबंध में आपको परेशानी है तो। बादाम का खांसी का प्रयोग, बार बार खांसी उठती है तथा कफ बाहर नहीं निकलता है तो भींगे हुए 5 बादाम छीलकर इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को प्रतिदिन सुबह शाम चाटने भर से सूखी खांसी ठीक हो जाती है तथा गला एकदम तर रहता है, इसलिए इसको सूखी खांसी के लिए वरदान बोला गया है बादाम को, इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। उड़द की दाल, उड़द एक अत्यंत पौष्टिक दाल है, इसे दालों का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। छिलके वाली उड़द की दाल में विटामिन, खनिज, लवण बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल एकदम बहुत निगन्न रहता है, मात्रा में रहता है। सप्ताह में 3 दिन भोजन में उड़द को छिलके वाली दाल का आपको सेवन जरूर करना चाहिए, इसकी शरीर में बहुत अति फायदा होता है। आंखों की देखभाल, 1 चम्मच त्रिफला चून लेकर 1 गिलास पानी में रात में भिंगो दें। सुबह उठकर उस पानी को साफ सूती कपड़े वस्त्र से आप छान लें, फिर इस पानी को अपनी आंखों से अच्छी तरह प्रकार से धोएं। इस प्रकार को नियमित करने से ज्योति बढ़ती है और आंखों की अन्य बीमारियां भी दूर होती है, तो इसको आप इसको इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आप आँख से परेशान है, कोई बीमारी है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। पोषण से भरपूर मूंगफली, मूंगफली में जिंक जैसे पोषक तत्व के साथ साथ भरपूर मात्रा में वसी अम्ल पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से कमजोरी दूर होती है, शरीर पुष्ट रहता है और इसमें ताकत ज़्यादा है, इसलिए इसका इस्तेमाल आपको थोड़ा बहुत रोजाना करना चाहिए। नीम के पत्तों को पीसकर रस निकाल लें। यह रस 2 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ प्रतिदिन 2 बार लेने से त्वचा संबंधित रोग दूर हो जाते हैं, अन्य आपको अगर कोई चर्म रोग दूर होंगे बिल्कुल। खून की कमी को दूर करने के लिए पालक में विटामिन ए, बी, 9, सी, ई, फाइबर तथा विटामिन केरोटीन पाया जाता है। 1 कप उबालते हुए पालक में 3.5 mg लोह तत्व पाए जाते हैं। पालक का सेवन साग, सब्जी, सलाद अथवा सूप के रूप में किया जा सकता है। इसके सेवन से खून बहुत जल्दी बढ़ता है। शहद एक पूर्ण आहार है, प्रतिदिन शहद का सेवन करने से शरीर में शक्ति तथा स्फूर्ति बनी रहती है। शरीर भर शहद का प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, शरीर में खून साफ करता है तथा पाचन शक्ति को मजबूत करता बढ़ाता है, इसलिए इसका सेवन आपको डेली करना चाहिए। चेहरे की झाइयों हेतु उपचार, चेहरे पर झाइयों के लिए आधा नींबू निचोड़ कर उस रस में 1-2 चम्मच शहद अच्छी तरह से मिला लें। इसे चेहरे पर 15 या 20 मिनट तक लगाकर रखें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह प्रयोग कुछ दिन लगातार करने से चेहरे की झाइयां दूर हो जाती है और निशान जो रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत फायदेमंद है। बार बार आपको अगर उल्टी आती तो बर्फ चूसिए, यानी आइस को आपको चूसिए। हैजे की उल्टियों में भी अगर आप आइस चूसते हैं तो आपकी उल्टियां बंद हो जाएगी, बहुत लाभदायक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के साथ में नमक या नमक की बनी हुई कोई चीज न खाएं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिरोध प्रभाव डालती है। दूध के साथ नमक लेने से श्वेत यानी कुछ सफेद रोग भी हो सकता है, इसलिए आप ये दोनों चीज को कभी मत खाइए। देर से गूंथ कर रखे हुए आटे की रोटी कभी ना खाएं, जैसे कुछ लोग सुबह ही रोटी गूंथ कर रख देते हैं और शाम को उसी से रोटी बनाकर खा लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। रोटी बनाने से पहले आप आधा घंटे तक आटे को पहले मस सकते हैं, आप मस के रख दीजिए, वो फायदेमंद है।
पर सुबह का शाम को या शाम को सुबह कभी ना खाना चाहिए। गैस की समस्या अगर आपको है तो पेट में अधिक गैस की समस्या होने पर भुने हुए जीरे का एक छोटी चम्मच चून तथा थोड़ा सा काला नमक एक गिलास पानी में घोलकर पीने से आपको गैस की शिकायत है तो तुरंत आपको राहत मिलेगी, इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बुखार के बाद में भूख लगनी बंद हो जाती है तथा मुंह में स्वाद खराब हो जाता है तो आप 6 या 8 मुनक्का लेकर उसमें से बीज निकाल लें तथा इसे भूनकर नमक व काली मिर्च लगाकर सेवन करें। इन्हें खाने से भूख बढ़ेगी तथा मुँह का स्वाद भी बदलेगा, ये बहुत फायदेमंद है। अगर आपको इस प्रकार का कुछ बुखार के बाद होता है तो आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। उसके बाद आते हैं अपन आंतों की सूजन। आंतों की सूजन दूर करने के लिए दही का सेवन अति लाभदायक है। इस रोग में रोटी का सेवन कम करके दही का सेवन बढ़ा दे, ऐसा करने से आंतों की सूजन में शीघ्र ही आपको फायदा मिलेगा, ठीक हो जाता है। इसलिए आप दही का सेवन ज्यादा करें, रोटी का कम करें अगर आपके आंत में सूजन टाइप की कोई समस्या है तो। Thank you.